हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्टिच चैनल। आज मैं सिंपल तरीके से चुन्नट या प्लेट्स वाली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। पहनी हुई देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और जो बिगनर्स हैं वो भी इसे आसानी से स्टिच कर सकते हैं। आइए सबसे पहले फ्रॉक का नाप देख लेते हैं। इसकी लंबाई 46 इंच, तीरा 7 इंच, छाती 38 इंच, कमर 33.5 इंच, बाजू 14 इंच और मोरी 5.25 इंच तैयार है। फ्रॉक की लेंथ 46 इंच तैयार है, लेकिन हमें ऊपर की टॉप की जो कटिंग है अलग से करनी है। तो टोटल कपड़े की लेंथ जो है 15 इंच पर निशान लगाना है और 14 इंच तैयार है। 1 इंच इसमें प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे स्टिचिंग में आएगा। सबसे पहले आप कपड़े को प्रेस करके इस तरीके से सेट करें और एक इसका और फोल्ड करें, यानी कि हमें 4 फोल्ड किए हैं। बंद वाली साइड जो है अपनी तरफ है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड है। अब इसकी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो टॉप वाली बॉडी जो है टोटल 14 इंच तैयार है, तो उसमें 1 इंच प्लस करें, यानी कि 15 इंच पर निशान लगाना है। सारे कपड़े के ऊपर इस तरीके से आप 15 इंच पर निशान लगा लें। आप चाहें तो 15.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो बिल्कुल बराबर सेट आता है। और इसकी कटिंग कर लें। तीरा 6.5 इंच नॉर्मल रखा जाता है, लेकिन इसका गला जो है बोट शेप में बना रहे हैं तो 7 इंच पर निशान लगा लें। और जो आर्म होल है उसका 7.5 इंच पर निशान लगाएं। आगे वाली साइड से भी 7.5 इंच पर निशान लगा लें और 0.5 इंच तिरछी का निशान लगाएं। नॉर्मल गला 2.75 इंच पर रखा जाता है, लेकिन बोट शेप में गले को बना रहे हैं तो 4 इंच पर निशान लगा लें। और स्टिचिंग के बाद यहाँ पर 1.5 इंच टोटल तैयार तीरा रहेगा। छाती का चौथा हिस्सा रखकर आप यहाँ पर निशान लगा लें। मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ और कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ऐसे ही कमर का भी चौथा हिस्सा रखकर 8.5 इंच पर निशान लगाएं और 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाकर इन निशान को आप स्केल से मिला लें। फ्रंट कटिंग करने के लिए आप 6.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लें और इस निशान को भी स्केल से मिलाएं। अब यहाँ से इंची टेप से नाप कर 0.5 निशान लगाएं और इसे इस तरीके से गोलाई में लगा लें, यानी कि हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाकर फ्रंट साइड का भी गोलाई में निशान लगाएं। अब इसकी कटिंग कर लें। अब फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए आप दोनों पीस को अलग कर लें, यानी कि बैक साइड को आप निकाल लें और जो फ्रंट साइड का है उसे बराबर रखकर इस तरीके से गोलाई में कटिंग करें। फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कर ली है, अब बाजू की कटिंग कर लेनी है। कपड़े को प्रेस करके डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखें। ये 4 फोल्ड किए हैं। बाजू की लंबाई 14 इंच तैयार है, तो इसमें 2 इंच प्लस करें और 16 इंच पर निशान लगा लें। अब यहाँ से छाती के अकॉर्डिंग निशान लगाया जाता है। मैं यहाँ पर 9 या 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। वैसे तो 10-10.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। 3 इंच कटिंग के लिए निशान लगाया है, यहाँ से भी 3.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। 5.25 मोरी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर यहाँ से निशान लगाएं और इन निशान को स्केल से मिला लें। अब यहाँ से इस तरीके से गोलाई में निशान लगाना है और बाजू की कटिंग कर लेनी है। बाजू की फ्रंट साइड से कटिंग करने के लिए आप कपड़े के 2 पीस इस तरीके से उठाएं और 0.25 इंच पर इसकी कटिंग कर लें। बाजू की कटिंग कर ली है, अब हमें बॉटम साइड के कपड़े को निकालना है।
डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखें और इसका एक और फोल्ड करें, यानी कि चार फोल्ड किए हैं। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखें। टॉप की कटिंग 15 इंच पर की थी, तो आप इंची टेप को 15 इंच ऊपर की तरफ रख दें। 40 इंच फ्रॉक तैयार है, तो आप 2 इंच इसमें प्लस करें और 48 इंच पर निशान लगा लें। ऐसे ही सारे कपड़े के ऊपर 48 इंच पर निशान लगा लेना है और इसकी हमें कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्लेट्स या चुन्नट को डालना है। टॉप की और बाजू की कटिंग भी कर ली है। अब इस सेंटर को हमें बिल्कुल बराबर सेट करके रखना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी प्लेट्स या चुन्नट आएंगी। ये रेडीमेड पोर्ट शेप में गला था, उसे कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस से चिपका लिया है। अब इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकालकर उसे भी प्रेस कर लें, ताकि स्टिचिंग करते समय आसानी रहे। ये बैक साइड का टॉप है और यहाँ पर मैं गले को इस तरीके से बराबर रखकर सेट कर रही हूँ और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास बोर्ड शेप में और गला है तो बैक साइड पर भी इसी तरीके से चिपका सकते हैं। मेरे पास ये गला था, आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। अब इसे हमें फ्रंट साइड में जहाँ पर प्रेस का निशान है चौक कलर से निशान लगाएं और गले को इस तरीके से सेट करके यहाँ से अब इसकी स्टिचिंग कर लें। अब आधा इंच पर बैक साइड के गले की कटिंग भी कर लेनी है। यहाँ पर आप कैंची से छोटे छोटे कट लगा लें, ताकि गला फोल्ड करते समय आसानी रहे और बिल्कुल बराबर सेट आए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे गले की बुकरम के ऊपर इस तरीके से रखें और यहाँ पर भी स्टिचिंग कर लें। बुकरम वाले गले को बराबर सेट करने के लिए यहाँ से आप स्टिचिंग कर लें। ऐसा करने से जो गला है बिल्कुल बराबर सेट आता है। ये देखिए, हमें फोल्ड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है और आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर बड़ा टांका रखकर स्टिचिंग कर लें। तुरपाई के बाद इस टांके को हमें निकाल देना है। फ्रंट साइड के गले को स्टिच कर लिया है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमें बैक साइड के बोट शेप के गले को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास रेडीमेड बोट शेप में नेक है तो उसकी ऊपर भी कपड़ा रखकर स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इसकी कटिंग मैंने बोट शेप गले में रखकर कर ली थी। ऐसे ही बैक और फ्रंट साइड के गले को स्टिच कर लिया है। देखिए, अब हमें इन तीरों को स्टिच कर लेना है। दोनों साइड के तीरों को स्टिच कर लिया है और तुरपाई करते समय देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करके बराबर तुरपाई कर लेनी है और जो बड़ा टांका रखा है उसको हमें निकाल देना है। अब फिटिंग की स्टिचिंग भी कर लेनी है। दोनों साइड से फिटिंग के निशान लगा लिए थे, अब यहाँ से स्टिचिंग कर लें और यहाँ पर हमें आधा या एक इंच स्टिचिंग नहीं करनी है। अब जो बॉटम साइड के कपड़े को हमने निकाला था उसे दोनों साइड से एक पीस को आप बराबर करके निकालें और एक साइड और दूसरी साइड
हमें 1.5 इंच पर निशान लगाकर कपड़े को छोड़ देना है और यहाँ पर आधा आधा या 1 इंच पर आप इस तरीके से प्लेट्स को स्टिच कर लें। दूसरी साइड भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें छोड़ देना है। एक साइड बॉटम में चुन्नट को स्टिच कर लिया है, अब टॉप वाली साइड को इस तरीके से बराबर नाप कर इसे देख लेना है। देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब इसे यहाँ पर जहाँ पर आधा इंच स्टिचिंग की थी वहाँ से कपड़े को बराबर लें और इसके ऊपर रख कर स्टिचिंग कर लें। आप चाहें तो दोनों साइड के बॉटम को प्लेट्स डालने के बाद स्टिच करने के बाद भी फिटिंग की स्टिचिंग कर सकते हैं। एक साइड की प्लेट्स को स्टिच कर लिया है, ऐसे ही दूसरी साइड की प्लेट्स को भी स्टिच कर लेना है। दोनों साइड बॉटम में प्लेट्स डालकर दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब प्लेट्स को बराबर सेट करने के लिए इसके ऊपर भी स्टिचिंग कर लें। अब यहाँ पर मैंने पहले ही फिटिंग की स्टिचिंग कर ली थी, आप चाहें तो बाद में भी इसे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन आप कमर पे निशान लगा लें और इसकी फिर से फिटिंग अब बॉटम वाली साइड तक कर दें। दोनों साइड से फ्रॉक को स्टिच कर लिया है, अब नीचे वाली साइड से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी स्टिचिंग कर लेनी है। वीडियो को आप फुल वॉच किया करें, बड़ी ही मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं। एक एक टिप्स और ट्रिक्स इसके कटिंग और स्टिचिंग के मैंने बताए हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखा करें। अब ऐसे ही बाजू को भी स्टिच कर लेना है। नीचे वाली साइड से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिचिंग कर लें। अब यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाकर बाजू को भी स्टिच कर लें। बाजू वाले कपड़े को आप सीधा करके गले वाली तरफ से बाजू को अंदर की तरफ डालें और दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए बाजू को भी स्टिच कर लें। दोनों साइड की बाजू को भी स्टिच कर लिया हुआ है। देखिए पहनी हुई देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। चुन्नट या प्लेट्स डालकर फ्रॉक स्टिचिंग और कटिंग करने की वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।